यूज करेंगे टाइम स्क्वायर पाई बाई सिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर। यहां पर हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू। तो इसमें प्रूव करने के लिए ये तो सिंपल है, इसमें फिर आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के लिए देखिए यहाँ पर पाई बाई सिक्स का मतलब है आपका साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हम कर लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री यानी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो भी 1 अपॉन 2 होती है, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया। माइनस के टेन स्क्वायर पाई बाई फोर उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है जैसे हम टेंथ में करते थे, कोई भी एक साइड लेके हम दूसरी साइड को वो इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। अगर आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 ठीक है माइनस के 4 हो गया, माइनस के 2 अपॉन 4 यानी के माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। तो इस पार्ट में तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो सर आप खुद भी कर सकते थे, इसमें डायरेक्टली इस वैल्यू हमने पुट किए हैं। इसमें हमारा कोई भी है ना जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था उसका 11 के किसी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ है। फिर हमने पाई की वैल्यू हमें पता नहीं थी पहले, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री है ना, उसके हिसाब से आपने जो लर्न किए हुए टेन के फॉर्मूले उनका हमने डायरेक्टली यूज किया है। अब मैं वो पार्ट देता हूँ जो आपको ज्यादा मुश्किल लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी कोई खास ही नहीं है ना, सेकंड पार्ट में तो यूज करना है। मैं एक पार्ट आपको और बताता हूँ, बताइए कौन सा वाला पार्ट बताइए। थर्ड वाला मेरे को ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो वो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। थर्ड है कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस एक्स पाई बाई सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स को हमें प्रूव करना है इक्वल टू सिक्स के इक्वल प्रूव करना। तो ये सिक्स के इक्वल प्रूव करने के लिए हमने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये हो जाएगा आपका कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब ये कॉसेक फाइव पाई बाई सिक्स है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं पाई माइनस के पाई बाई सिक्स लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? अगर आप एलसीएम लेते हो उसका सिक्स, सिक्स पाई में से पाई गया तो फाइव पाई बाई सिक्स हो गया। जब भी कोई एंगल आपका अलग एंगल होगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जैसे आपका 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, 90 है, या 180 है, या 270 है, 360 है, ये वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू होगी तो हम क्या काम करेंगे उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, 180 के एड में सब्ट्रैक्ट करें 180 के या 90 के या 270 के, ताकि हम उसमें वो फॉर्मूले यूज करें सकते हैं जो हमने 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले बनाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया, ये जो है आपका लिखा हुआ है इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो 1/√3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3 होगा, क्योंकि स्क्वायर करना है। चलो इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, फिर का स्क्वायर करता है, तो ये तो हो गया आपका बेटा 3 हो गया। यहाँ पर cos x 180 माइनस थीटा लेकर लगाया हमने तो cos x पाई बाई सिक्स हो गया, ये कितना हो गया 3 × 1/3, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो आपका 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा cos x 30 डिग्री, cos x 30 की वैल्यू कितनी होगी
भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इक्वल टू कितना आ गया 6 का। इस तरीके से हमने है ना इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया गया है फॉर्मूले का, वो आपका यहाँ पर इसी स्टेप में यूज किया है। बाकी तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट किए हैं, तो डायरेक्टली वैल्यूज आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली, है ना, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये काम तो ईजी है। ये वाला हमने अभी 11 का यूज किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ना ये बाकी दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो साइन 75 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इसमें हम जो है जो हमें इसको ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम एक्स वाई फॉर्मूले का यूज कर सकें। तो साइन इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 30 प्लस 45 डिग्री, है ना। इसको हम जो है 75, क्योंकि 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इसमें हम एक्स वाई फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस वाई कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 30 साइन 45 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हमने क्या पुट करी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1/√2, यानी कि आपका 2√2 तो आपका एलसीएम हो गया, और ये कितना आ गया, 1+√3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। साइन 75 की वैल्यू 1+√3/√2 होगी। ऐसी आपको टेन की वैल्यू निकालनी है तो 45 - 30 कर देंगे, है ना। ये वाला पार्ट आपको कर लेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर अब बताता हूँ 6। 6 का ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है cos 5/4 माइनस x cos 5/4 माइनस वाई माइनस साइन 5/4 माइनस एक्स और साइन 5/4 माइनस वाई। अब हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। जो हमें प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए देखो ये कॉस है, कॉस बी है ना, जो हमने ए बी फार्मूला बताया था आपको, ए बी फार्मूले के नाम से बताया था, कॉस है तो सॉरी एक्स वाई फार्मूले नहीं है ये, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। यहाँ पर x की जगह कितना है, 5/4 माइनस x प्लस y की जगह कितना है, 5/4 माइनस y। तो यहाँ हम x की जगह 5/4 माइनस x ले रहे हैं और y की जगह 5/4 माइनस y। इसको हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूला इसको x और इसको y मान के एक्सटेंड करेंगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, ये कॉस 5/4 है, ये भी 5/4 है, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो गया, है ना, 45 45 90 हो गया। माइनस से इन दोनों को एक साथ लिख दिया हमने एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको पहले से ही पता है, तो टेन से ही पता है, वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स प्लस वाई हो गई। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी
साइन एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, जो 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 साइड जो है, हम टेंथ में भी ऐसे करते थे, जो साइड ज्यादा बड़ी होती थी जिसमें हम ज्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं हम वही साइड लेते हैं, जो साइड छोटी होती है जिसमें वैल्यूज कम होती है, सम कम होती है, उसमें हम ऑपरेशन कम कर सकते हैं तो उसको हम नहीं लेते। तो हमारे हिसाब से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड बहुत सिंपली सिंपली आ गई है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में tan 5/4 plus x divided by tan 5/4 minus x, ये हमें प्रूव करना है। 1 plus tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड हम इसके ले रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको इसको ओपन करते हैं, टेन फाइव बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये हमने लिया हुआ है। तो टेन एक्स और वाई का फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूले किए थे हमने, तो टेन एक्स टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, तो टेन पाई बाई फोर टेन एक्स हो गया। इसी तरीके से आप ये तो न्यूमरेटर का हमने एक्सटेंशन किया है, तो डिनोमिनेटर का भी हम एक्सटेंशन करेंगे। ये हमारी मेन लाइन है डिवीजन की, तो टेन पाई बाई फोर का करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस के टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। यहाँ वैल्यू हमने पुट करी, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी वैल्यू करी, वन माइनस के टेन एक्स और वन प्लस के टेन एक्स, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है ना, इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्मूले का यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला, tan x plus y, तो tan x plus tan y, ठीक है, फिर 1 minus tan x tan y, जब प्लस होता है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, जब माइनस होता है तो ऊपर वाली टर्म में माइनस आता है और नीचे प्लस आता है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ वैल्यूज हमने पुट कर दी, tan pi by 4 की 1, ठीक है, और हमने वन रखने के बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो a upon b और c अपॉन d की फॉर्म में, तो d ऊपर चला जाता है और ये b c के साथ हो जाता है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में देखो, 8 में गिवन है cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x. It should be equal to cot square x. इसमें हम वही आपकी जो हमने फॉर्मूले फॉर्म किए हैं तो वही यूज करने हैं cos 180 plus x. अब आप ये देखो कि cos 180 plus x है, कौन से क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ है ना. थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, माइनस होता है ना. मैंने बताया था कि जब भी कभी 90 या 270 होता है तब आप कन्वर्ट करेंगे अपने कोफिशिएंट है ना. तो ये तो 180 है तो इसमें चेंज नहीं करना, कॉस का कॉस ही रहेगा. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा. फिर देखो ये कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट है ना. जब भी कभी आप ये लेते हैं, हम जो एंगल बनाते हैं माइनस थीटा, जैसे थीटा का मतलब है थीटा वो एंगल होता है जो 0-90 के बीच में लाया जाता है. माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में. माइनस थीटा का मतलब सीधे है ना. थीटा को हम एज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू 0-90 के बीच में होगी. तो हम ये सोच के हम फॉर्मूले फॉर्म किए गए हैं. तो ये जो है कॉस माइनस थीटा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा. बाकी जो है कॉस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव रहते हैं. साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 180 यहाँ पर होता है, माइनस थीटा का मतलब यहाँ पर आ गया. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. तो साइन एक्स का क्या रहेगा, ये साइन एक्स ही रहेगा. फिर कॉस 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव हमने इसकी वजह से लगा दिया, लेकिन यहाँ पर 90 आ रहा है तो 90 कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो ये हुआ माइनस का कॉस स्क्वायर है, और ये है आपका माइनस का साइन स्क्वायर है. तो ये इस तरीके से माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है. ठीक है, यही हमें प्रूव करना है. ठीक है, क्वाड्रेंट का हमें ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में है. और जो फॉर्मूले मैंने बोला था आपसे सारे अलग अलग कट लिखेंगे ताकि आपको लिखने में याद हो जाए, अगर नहीं लिखोगे तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. cos 3 pi pi 2 plus x cos 2 pi plus x cot 3 pi by 2 minus x plus cot two pi plus x. इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है. तो इसको हमने पहले हम इसे वही जो हमने फॉर्मूले हैं है ना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनका यूज करता है. ये देखो cos 270 प्लस थीटा, यानी कि cos 270 प्लस थीटा का मतलब 3 पाई बाय 2 का मतलब हुआ 270 है ना. तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है,
पॉजिटिव होता है, लेकिन cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन x। इसी तरीके से cos 2 पाई प्लस x यानी कि 360 प्लस सीधा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो 360 के मल्टीपल में तो हम इसको चेंज नहीं करते, तो ये क्या रहेगा आपका cos x ही रहेगा। तो हमने इन दोनों में अप्लाई कर लिया। अब इसी तरीके से हम इसमें अप्लाई करते हैं, अगर ये हो जाएगा cos 270 माइनस x, ठीक है, cos 270 माइनस x का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 के मल्टीपल में है या 270 के, 90 के मल्टीपल में जब भी आएगा तब ये कन्वर्ट हो जाता है को फंक्शन में। अब ये उसके बाद cot है, cot का मतलब क्या हुआ, 360 प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो cot x का cot x ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये 90 के मल्टीपल में था, ऑड मल्टीपल में, आई 90 के ऑड मल्टीपल में होता है तो cot को फंक्शन में चेंज हो जाता है, इवन मल्टीपल में जो होता है तब चेंज नहीं होता। अब उसके बाद हमें क्या करना है, साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, साइन एक्स कॉस एक्स में ब्रेक कर दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर आया आपका साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स की वाली टर्म हमारी कैंसिल होगी साइन एक्स कॉस एक्स से, इसकी वैल्यू क्या बना, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो इसको दोबारा देखना, आप दोबारा देख लो, इसमें कुछ हमने नहीं किया है, वही जो तो फॉर्मूले हमने यूज किए, इसको साइन कॉस में ब्रेक किया है, या आपको टेन में करते आ रहे हो, है ना, साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन होता है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन एन प्लस वन एच को साइन एन प्लस टू एच को साइन प्लस वन एच cos n plus 2x, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू cos x। अब आप ये देखो, ये फॉर्मूला जो है किससे मिलता हुआ लग रहा है, आप इसको अगर कंपेयर करते हो, ये फॉर्मूला जो है sin x, अगर हम n plus 1 को x लाते हैं लेते हैं, तो sin x sin y, इसको n plus 2 को मानते हैं पूरे को, ये sin x sin y cos x cos y, ये इससे मिलता हुआ फॉर्मूला है। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos x माइनस y, है ना। यहाँ हम n प्लस वन x को, पूरे को अगर हम x ले लें, इस पूरे को हम क्या ले लें, y ले लें, तो sin x sin y, फिर ये cos x cos y हो गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस y लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी समझ में आ गया, डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, कि आप बीच में जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है वैसे आप लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x, ये आपको प्रूव करना है माइनस रूट टू साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करने के लिए आप बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, है ना, जो आपको मैंने सी डी फॉर्मूले के नाम से लिखवाया था, ठीक है। सी डी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम इसमें, cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या था, cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला होता है माइनस से टू साइन c प्लस d अपॉन टू साइन c माइनस d अपॉन टू, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, या आप यूज लिख सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमने यूज किया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस से टू साइन c प्लस d, c की जगह कितना है थ्री पाई बाई फोर प्लस x, d की जगह कितना है थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स सी प्लस डी अपॉन टू, फिर है आपका साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी का मतलब थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स, थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन टू, जब माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी प्लस हो जाएगी, इससे एक आंसर होगा यहाँ पर, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका माइनस टू साइन थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो एक थ्री पाई बाई फोर बच गया, है ना, ये टू थ्री पाई बाई फोर है, टू से डिवाइड कर दिया हमने। इसी तरीके से आपका ये जो है साइन एक्स और ये एक्स और एक्स टू एक्स हो गया, टू से डिवाइड कर तो एक एक्स हो गया। अब हमने क्या किया, माइनस के टू साइन थ्री पाई बाई फोर को आप लिख सकते हो पाई माइनस के पाई बाई फोर, ये आपका साइन एक्स, साइन फोर पाई में से पाई माइनस करेंगे तो थ्री पाई आ जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू इसकी हमें डायरेक्टली नहीं पता है, तो 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई फोर होता है, तो साइन पाई बाई साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई फोर हो गया, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट टू होती है, यहाँ हमने वन अपॉन रूट टू लगा दिया, ये साइन एक्स हो गया, रूट टू से टू को कैंसिल करेंगे तो माइनस का रूट टू और ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, इसको दोबारा देखें तो आप दोबारा देखो, ये जो टर्म दी हुई थी है ना, इसको हम और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे cos x plus y का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ पर cos x minus y का फॉर्मूला लगा सकते, तो यहाँ हमें दोनों को एक्सटेंशन करना पड़ता, कुछ टर्म कैंसिल हो जाती, जो टर्म कैंसिल करके रिमेनिंग होती उससे आपको यही आंसर लगाता, उससे कुछ नहीं पड़ता। लेकिन हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज किया, जो फॉर्मूला यूज किया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर c हम जो ले रहे हैं वो थ्री पाई बाई फोर प्लस x ले रहे हैं, और d जो ले रहे हैं वो थ्री पाई बाई फोर माइनस x ले रहे हैं, तो साइन c पर d अपॉन टू है, तो c की जगह में पुट कर दिया, d की जगह अपॉन टू कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पर c माइनस d अपॉन टू कर दिया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, थ्री पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर टू थ्री पाई बाई फोर है, तो एक टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक थ्री पाई बाई फोर बच गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स और एक्स टू एक्स हैं,
ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया तो एक एक्स बच गया। इसको 3π/4 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने पाई माइनस से पाई बाई फोर लिख दिया, साइन 180 माइनस आएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन 580 इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई, तो 2 से हम √2 को डिवाइड करके √2 कर सकते हैं, यही हमें प्रूव करना है। तो बेटे ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं 1 to 11, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। करने के बाद जो फॉर्म जैसे पता था वैसे आपने लिख लिया नहीं लिख लिया मुझे नहीं पता है, है ना। फॉर्मूले लिखने बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूलों को याद रखना मुश्किल है ना। ये मुश्किल होने की वजह से मैंने आपको स्पेशली बोला है इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं, है ना, वो 3D फॉर्मूले के तरीके से लिखेंगे, है ना, ताकि आपको याद हो जाए। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। और एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको ए बी फॉर्मूले के तरीके से लिखेंगे। ए बी फॉर्मूले में क्या होगा, 2 sin a। चलो पहले तो आप इसके लिए आपने कैसे दिखाया पता नहीं, आपको याद रहने में आसानी रहेगी जैसे मैंने बताया वैसे आपने लिखा था। बुक में तो सारे फॉर्मूले एक्स वाई की टर्म में ही लिखे हुए हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ये है आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। इस साइन स्क्वायर 6x है, इसमें जो है हमने फॉर्मूला आपको एक बताया था कॉस 2x का। कॉस 2x का एक फॉर्मूला आपको ये लिखा था 1 - 2 sin² है। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, तो हम कॉस 2x का 1 - 2 sin² x है इसका यूज करना चाह रहे हैं। हम 2 sin² x को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos² x हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 - cos² x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको से लिखा हुआ है, तो इसी का फॉर्मूले का हमने यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ x है तो यहाँ पर 2x आ रहा है, तो यहाँ पर अगर 6x है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। साइन स्क्वायर अगर आप 6x को लिखना चाहते हो तो इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, 1 - cos 12x लिखना होगा अपॉन 2। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 4x को लिखना चाहते हो तो लिखना होगा आपको 1 - cos 8x लिखना होगा अपॉन 2। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर जो गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 - cos 12x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 - cos 8x अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग लिख करके लिखते हैं, वही 1/2 है माइनस के, यहाँ से भी 1/2 आएगा, ये दोनों 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का 1 ये हम कॉमन ले लेते हैं माइनस के 1/2, तो क्या बचेगा यहाँ पर cos 12x। ठीक है, ये माइनस माइनस जब हमने इसको जो है 1/2 को तो हमने अलग लिख दिया माइनस को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हमने माइनस 1/2 कॉमन लिया है तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये cos 8x हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 1/2 है
यहाँ पे cos t माइनस cos d का फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया था वो यूज करते हैं, तो क्या आएगा माइनस के टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी करेंगे 12 + 8 यानी के 20 है डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन